सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बोलिए। बस रणधीर सिंह जी, आपने अपने पर्स का एक मेजर हिस्सा विकास खंडोला को लेने में खर्च कर दिया, शायद इसीलिए पवन के ऊपर आप एफबीएम का कार्ड नहीं इस्तेमाल कर पाए। पवन को कितना मिस करेंगे आप? बहुत ज्यादा। रणधीर सिंह जी, इस वक्त मैं देख सकता हूं कि आपकी आंखें भी नम है। आपने अपने इस खिलाड़ी, अपने बच्चे, अपने शागिर्द पवन सहरावत पर बड़ी मेहनत की है और आज अपने बच्चे को अपने से दूर जाते हुए दूसरे टीम से खेलते हुए, मैं जानता हूं आप भाव विभोर जरूर हो रहे होंगे। पवन इस वक्त आपको सुन सकता है, रणधीर सिंह जी आपका बच्चा आपको सुन सकता है, आपको कुछ कहना चाहेंगे उसे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, जिस टीम ने लिया है उसमें ईमानदारी से खेलना, बहुत अच्छा करो। बेंगलुरु बुल्स का इतना अभिन्न हिस्सा रहे हैं, आप ने अपने कोच साहब के साथ में बहुत बड़े बड़े परचम लहराए हैं, बुल्स को कितना मिस करेंगे, रणधीर सिंह जी को कितना मिस करेंगे? एब्सोल्युटली मैं कोच साहब को ही सबसे ज्यादा मिस करूंगा, क्योंकि कोच साहब ने कितने ग्राउंड लो से लेके मुझे एक आज 220 प्लस का प्लेयर बना दिया, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कोच साहब का ही है। नहीं तो मैं कोच साहब के पास थर्ड सीजन में आया था, सिर्फ 4 लाख रुपए में आया था, 4 लाख से कहाँ 2 करोड़ प्लस हो चुके हैं, तो ये क्रेडिट तो कोच साहब का ही है। थैंक यू सो मच कोच साहब, आज तक सपोर्ट किया और आगे भी।